काफी सारी अटकलों और अफवाहों को विराम देते हुए मशहूर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज ने अपनी अगली फिल्म भूल भुलैया 2 का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही ये बात साफ हो गई है कि फिल्म अभिनेता अक्षय इस फिल्म का किसी भी तरह से हिस्सा नहीं होने वाले हैं। काफी दिनों से ऐसी खबरें थी कि अक्षय अपनी फिल्म भूल भुलैया की इस सीक्वल में एक खास रोल अदा करने वाले हैं। साल 2007 में रिलीज हुई भूल भुलैया का सीक्वल भूषण कुमार सिने वन स्टूडियो के मालिक मुराद खेतानी के साथ मिलकर करने जा रहे हैं। फिल्म में लीड किरदार कार्तिक आर्यन अदा करेंगे और ये फिल्म अगले साल जुलाई में रिलीज की जाएगी। खैर, टी सीरीज के साथ कार्तिक आर्यन की अगर बात की जाए तो ये उनकी तीसरी फिल्म होगी। उनके करियर की पहली 100 करोड़ी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी थी, जिसका निर्माण भी टी सीरीज ने किया था। टी सीरीज के फिल्म पति पत्नी और वो में भी कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। खैर, आगे अगर बात की जाए तो इस बारे में भूषण कुमार कहते हैं कि दर्शकों को भूल भुलैया की सीक्वल का अरसे से इंतजार रहा है, हम बस इसके लिए एक सही पटकथा का इंतजार कर रहे थे। मुराद खेतान ने इस फिल्म के लिए एक बहुत ही उम्दा कहानी सुझाई है। गौर की जाए इस बात पर कि इस साल की सबसे हिट फिल्म कबीर सिंह भी टी सीरीज ने सिने वन स्टूडियो के साथ ही मिलकर बनाई। भूल भुलैया की सीक्वल का निर्देशन अनीस बज़मी करेंगे। अब देखते हैं कि आखिरकार ये फिल्म क्या अक्षय कुमार वाली फिल्म से ज़्यादा पसंद आती है और कार्तिक आर्यन को लोग कितना पसंद करते हैं इस फिल्म में, ये भी देखना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल TV समाचार 24 के साथ।